हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। ये संगीत अभ्यास के हम जितने भी पाठ करते हैं, ये पाठ करने से होना क्या चाहिए, ये सब पाठ करने से आप उस स्टेज पर पहुंचने चाहिए जब आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजता भी नहीं हो तो भी आप सुर में गा सकोगे। ये स्टेज हासिल करने के लिए पहले हारमोनियम के साथ अलग अलग पट्टियों में सारे गमों पधनीसा सानी धप मगर ऐसा इसकी रियाज करना ज़रूरी है। ऐसा करने से वो जब कोई पट्टी का बेंचमार्किंग होता है, उस बेंचमार्किंग में ये सारे गमों पधनीसा सानी धप मगर ऐसा स्वर कैसे साउंड करते हैं, उनकी साउंड फ्रीक्वेंसी कैसी बजती है, इसकी आपको समझ होती है। ये जब समझ आपकी पक्की हो जाती है, यानी आपके सुर पक्के हो जाते हैं, तब आप केवल तानपुरा किसी सुर का लगाया तो उस तानपुरे पे आप गा सकोगे। चलिए तो आज पहले कर लेते हैं रियाज अलग अलग पट्टियों में ये आरोह अवरोह गाने की। पहले गाएंगे सारे शुद्ध स्वर स्वरों में और आकार में, उसके बाद रे ग ध्वनि कोमल और म तीव्र लेकर अलग अलग पट्टियों में ये सारे गम प ध्वनि सा सानी ध प मगर ऐसा इसकी रियाज करेंगे। आप जैसे संगीत प्रेमियों के लिए ये रियाज किस तरह की जाती है ये प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे मेरे विद्यार्थी श्रीमती सविता पदीर, श्री बालसुब्रमण्यन एस, श्री दीपक शेकटकर, वेदिका गोसावी, और इनको हारमोनियम पे साथ कर रही हैं श्रीमती अंजलि बार्षिकर। ये अभ्यास की हम शुरुआत करेंगे काली चार पट्टी से, यानी जी शार्प। आप गाइए। आप गाइए। आप गाइए। आप गाइए। ये है सफेद छह पट्टी सालावादी सा। अगर
रहेगा। ये है काली पांच पट्टी। सफेद सात
गाइए। आप गाइए। आप गाइए। आप गाइए। ये है सफेद एक पट्टी। आप गाइए। आप गाइए। आप गाइए। आप गाइए। अब शुरुआत होती है विकृत स्वरों की रियाज, यानी कि रे, ग, ध और नी, ये चार स्वर कोमल लगेंगे और म तीव्र लगेगा। ये सारे विकृत स्वर हम इन्हीं सभी पट्टियों में गाएंगे। अभी इन्हीं स्केल्स में, ये काली चार से सफेद एक तक स्केल जो है, इसमें हम विकृत स्वर लेंगे। पहले बजेगा और सुन लीजिए, बाद में गाएंगे। काली चार सा।
ये है काली छह पट्टी, एक बार सुनिए। बदलते हैं, ये है काली पांच। सा नी ध प म ग
बताइए सा 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 ये है
सफेद एक पट्टी जिसे नेचुरल पट्टी कहते हैं, ये है सा। सा लगाइए, सा गया ना मजा। इस वीडियो के बारे में या संगीत अभ्यास के बारे में आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कभी भी मेरे मोबाइल नंबर 8879183901 पर फोन कर सकते हो। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगा।